जैन साथियों, हमारे सामने रावण नेता अरे मुस्लिम खान जी सर, जिस तरह से अभी मुस्लिम समुदाय को आरक्षित होंगे, मुस्लिम समुदाय को नहीं आरक्षित होंगे? बिल्कुल, मेरी तो मांग कर देना चाहिए, जैसे एससी और एसटी और ओबीसी समाज के लिए मुल्क के अंदर प्रोविजन किया गया है मंडल कमीशन के जरिए लागू करके, और सबको रिजर्वेशन दिया गया है, माइनॉरिटी को भी देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी की नुमाइंदगी आप देखेंगे चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, कॉरपोरेशन हो, सब जगह कम होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं कंपलसरी माइनॉरिटी की नुमाइंदगी बढ़े, तो इसके लिए रिजर्वेशन होता है तो अच्छी बात है और होना चाहिए, तो हमारी मांग है। सर, देश की दूसरे नंबर के कहीं ना कहीं कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है? देखिए, इसकी जिम्मेदार हम सब हैं, सरकारें जिम्मेदार होती हैं, हम जिम्मेदार होती हैं, लेकिन पिछले दो दहाई में अगर आप उठाकर देखेंगे तो मुसलमानों का तालीमी मेयार जितना ज़्यादा बढ़ा है, हर प्रोफेशनल कोर्सेज में देखें, मेडिकल कोर्सेज में देखें, इंजीनियरिंग में देखें, तो हमारे लोग सब जगह मिलेंगे। आप प्लेन में सफ़र करने चले जाइए तो जो 5-6 क्रू मेंबर होते हैं उसके एक मुस्लिम ज़रूर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो कॉम्पिट करके जीत के आई हुई है। तो लोग आज हर मुआशरे में हैं, लोगों में अवेयरनेस हुई है, ये बात सही है कि पहले हमारा पिछड़ापन तालीमी सतह पर बहुत था, लेकिन पिछले 20 सालों में दो दशक में दो दहाई के अंदर हमारे लोगों में वो चीज़ें आई, अवेयरनेस आई, और हर मुसलमान ने अपने बच्चों को अपना पेट पाल कर उसको आला सतह की तालीम देने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में पिछली बार 2009 से 2015 में मैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर था, हमने तालीम को बढ़ावा देने के लिए सभी जगह पे खास करके लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल माइनॉरिटी के लिए शुरू किया, 8 से 10 जिले में शुरू भी हो गया, तो बहुत जगह पे हम लोगों ने काम किया, काम होता है। ये बात आपकी सही है कि 100% चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटी को कमी आज करना पड़ता है, करने की ज़रूरत है। जब पेश हो रहा था तो इंडिया गठबंधन के जो है कि कुछ लोग जो कि गायब नजर आए, कोई गायब वायब नज़र नहीं आया, अचानक हुआ, उसके बारे में उद्धव ठाकरे जी ने सफाई दे दी है, उन्होंने खुद उसकी मजम्मत की है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और कोई भी मजहब की जमीन चाहे हिंदू धर्म स्थान की हो या इस्लामिक धर्म स्थान की हो, मुसलमानों के धार्मिक स्थान की हो, वो ज़मीन में कहीं भी कोई ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपने सफाई दी है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, वक्त जो है कि मुस्लिमों की ज़मीन है, तो अब इसको दूसरे इस पर फैसला करेंगे, वक्त की जो ज़मीन है वो मुस्लिमों के लिए वक्त है, अब इसमें दूसरे फैसला करेंगे, दूसरे वो आएंगे। जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट लाया गया है, हम तो उसकी पहले दिन से मुखालफत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी मुखालफत की है, जब तो पास नहीं हो पाया है और वो उस पर गई है, पार्लियामेंट्री कमेटी में गई है, अब उस पर डिस्कस होगा। सरकार का मंसूबा साफ है कि वफ एक्ट में अमेंडमेंट लाकर वफ की जो मिल्कियत है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको ऑटोनोमस बॉडी जिसकी देखभाल करती थी, वफ तय करती थी, अब उसको कलेक्टर का राइट दिया जा रहा है, कलेक्टर को आप अख्तियार दे रहे हैं कि वक्फ और नॉन वक्फ के बारे में आप फैसला करो, तो कलेक्टर को सरकार का इंटरफेरेंस होगा, सरकार इंटरफेरेंस करेगी तो पॉलिटिसाइज होगा, तो वक्फ की लैंड को नॉन वक्फ डिक्लेयर करवाने में करवाकर और किसी की जेब भरने की कोशिश सरकार करेगी। तो वक्फ एक्ट के अंदर ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस हो, वो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी रहने देना चाहिए।